राम सेतु में गिलहरी का योगदान। ये प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे। जब उनकी पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई तब किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं मिला कि उस समुद्र को किस प्रकार पूरी सेना के साथ पार किया जाए। इसी घटना के संदर्भ में गिलहरी का योगदान भी सम्मिलित हुआ, क्योंकि अगर वहां पर एक राम सेतु बना था जिसमें गिलहरी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आइए जानते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए लंका जाना चाहते थे, परंतु समुद्र की वजह से लंका पर नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इस पर भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने समुद्र पर बाण तान दिया, जिसकी वजह से समुद्र देवता भयभीत हो गए और भगवान श्री राम के सम्मुख प्रकट हो गए। और बातचीत में उन्होंने बताया कि आपकी सेना में नल और नील दो ऐसे वानर हैं जिनके जरिए आप राम सेतु का निर्माण कर सकते हैं और इस समुद्र को पार कर सकते हैं। इसके पश्चात वानर सेना और हनुमान जी ने यह तय किया कि हम सागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण करेंगे, उसी पर चलकर लंका पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात हर एक वानर ने पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखना शुरू किया और नाम स्मरण करते हुए नल और नील ने पत्थर को सागर में डालना शुरू किया। जैसे ही प्रभु का नाम लिखकर पत्थर डालने लगे तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे और कुछ ही दिनों में राम सेतु बनकर तैयार हो गया। जिस समय राम सेतु बनाने में सभी वानर व्यस्त थे, उसी समय एक छोटी सी गिलहरी ने उन सभी को पुल बनाते हुए देखा था। गिलहरी ने मन में ही सोचा कि प्रभु श्री राम तो साक्षात भगवान है, उनके लिए जब ये बंदर राम सेतु बना रहे हैं और भगवान राम की सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। ये सोचकर गिलहरी ने मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार किया और दूसरी तरफ अपनी सेवा शुरू कर दी। समुद्र तट के पास रेत का बहुत बड़ा ढेर था। जिस प्रकार की गिलहरी की क्षमता थी उसका वो पूरा उपयोग कर रही थी और उपयोग करके श्री राम के कार्य में लग गई। ऐसा देखकर वानरों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एक वानर ने गिलहरी से कहा, अरे तुम तो बहुत छोटी हो और एक एक कण रेत लाकर समुद्र में डाल रही हो, क्या तुम्हारे ऐसा करने से पुल का निर्माण हो जाएगा? तब गिलहरी ने जवाब दिया, मैं भले ही बड़े पत्थर नहीं उठा सकती हूं पर जितना श्री राम ने मुझे क्षमता दी है उतनी सेवा तो कर ही सकती हूं। भले ही ये छोटी सेवा हो परंतु श्री राम की सेवा तो हो रही है ना, इसलिए आप मुझे ये सेवा करने दीजिए। ऐसा कहने के बाद गिलहरी दोबारा से रेत लेकर सागर में डालने की सेवा में लग गई। ये सेवा करते हुए गिलहरी बहुत ही ज्यादा थक गई थी, परंतु अपनी थकान की उसने परवाह नहीं की और बिना रुके सेवा करती रही। वो मन ही मन कह रही थी, आपको क्या पता जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करती रहूंगी। इसके बाद जब वो दोबारा रेत लेकर समुद्र की ओर जाने लगी तब किसी ने बहुत प्रेम से उसकी तरफ देखा। जी हां, वो प्रभु श्री राम ही थे। जैसे ही श्री राम ने गिलहरी को देखा उन्होंने गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। इसके पश्चात श्री राम ने अपने प्रेम से अपनी दाहिनी हाथ की उंगलियों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गिलहरी से कहा, भले ही तुम छोटी हो किंतु तुमने मेरी सेवा बहुत ही अच्छी की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हूं। इतना सुनते ही गिलहरी भाव विभोर हो उठी। इस समय गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के निशान प्रकट हो गए थे, जिसकी वजह से आज तक गिलहरी की पीठ पर धारियों के निशान दिखाई देते हैं। वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के ही निशान है। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने गिलहरी से कहा, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता और जो भी तुम्हारी जैसी सेवा करेगा उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी।